You guys from India, Nepal? Nepal. Which part? North. North part of Bangla, Nepal. Nepal. Okay. South. So yeah, so I'm from Banaras. You know Banaras? Banaras. Yeah. But what's the city of Nepal? It's close to Nepal. नमस्कार आदाब सत श्रीकाल की हालचाल। आज की वीडियो में आपको ले चलते हैं सोयाबीन के खेत में और आज को आपको बताएंगे सोयाबीन के अमेरिका की खेती कैसे करते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। थैंक यू। कोने तक आ गए अर्णव, आ जाओ इन तक चलते हैं इस पेड़ के नीचे। ठीक है, उस पेड़ को देख के मुझे इसलिए याद आया कि जब भी हम सब खेत में काम करने जाते थे तो इस तरह से एक पीपल का पेड़ होता था तो वहाँ पे हम सब आराम करते थे, सुस्ताते थे। ठीक है ना, लंच वंच खाते खाया करते थे। तो ये भी पेड़ कुछ उसी टाइप से लग रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं उस पार क्या है। जी, सोयाबीन के खेत के बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और ये शाहरुख खान वाला पेड़ है। तो ये मेपल का पेड़ है, ये मोहब्बत के शाहरुख खान वाला, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और इसका सीरप बनाया जाता है। सीरप का मतलब कि ये इसका जो है शुगर होता है इसके लिक्विड में, इसके पेड़ में, अगर उसको कलेक्ट करके उसको कंसेंट्रेट कर देंगे तो मीठापन उसका बढ़ जाता है, फिर उसका जो है सिरप बनाया जाता है। और सिरप जो है ज़्यादातर उसे ब्रेड में लगा के लोग खाते हैं। ठीक है, मैंने भी इसको यूज खाया हुआ है एक दो बार। अब तुम्हें सोयाबीन का खेत दिखाते हैं। उसको मामी को भर लेने दे उसको। ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है, नो देखो बच्चे जो है सोयाबीन की खेती में जाने के लिए हम कतरा रहे हैं थोड़ा, सबको जाना है। ठीक है, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है और कोई गर्मी भी नहीं है ठंडी भी नहीं, तो इसलिए मेरा मन जो है बहुत अच्छा है आप सबको एक्सप्लेन करने का। हाँ ना, अभी तो जो भैया अभी $25 दिए वसूलना भी है इसको। से हम जो है पहुंच गए हैं खेत में और इस खेत में बोया गया है सोयाबीन। ठीक है, और सोयाबीन का खेत आ रहे आनो, सोयाबीन का खेती आप देख सकते हैं जो है वहाँ से लेकर के और जो है पूरा पहाड़ी दार घर है ये। ठीक है, पूरा वहाँ तक इस तरह से बोया गया है। और खेत में जाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किसान का घर। किसान का घर क्या, तो फार्म बोलते हैं इसमें जो है आ रहे हैं अर्णव, इसका जो फार्म का स्टाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है। और ये जो लंबा जो आप देख रहे हैं ये जो है ये मिल्क का ये प्लांट है जहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग किया जाता है। और जो लाल वाला घर है इसमें ज़्यादातर एनिमल, जितने भी एनिमल हैं, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है ना, उसमें जो है रखे जाते हैं। और उसके बगल में जो बड़ा वाला है ये रेगुलर घर जैसा घर दिख रहा है वो है मालिक का घर। ठीक है, किसान का जिसका भी होगा उसका घर है ये। ठीक है, और आसपास आप देख सकते हैं कि कोई घर नहीं है और ये पूरा गाँव है ये। ठीक है, एक घर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है और उसका जो वो भी किसान ही होगा मुझे लग रहा है अगर यहाँ रह रहा है तो। ठीक है, तो आप इधर भी देख लीजिए कुछ भी नहीं है और इधर भी देख लीजिए पूरा खेती खेत है। ये जो है स्ट्रॉबेरी का खेत है बहुत बड़ा और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो है स्ट्रॉबेरी जो है पिकिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है इस समय, तो लोग जो है जो मालिक है इसका वो परमिशन देता है कि आप आओ हमारे खेत में घुसिए तो जितना मर्जी हो तोड़िए और उसको पैसा पे कर दीजिए। तो इसी स्ट्रॉबेरी का बहुत बड़ा खेत है इस जो है सोयाबीन के खेत के बगल में। ठीक है, और आपको क्या दिखा दें, इसके बगल में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये भी स्ट्रॉबेरी का ही खेत है लेकिन ये किसी और मालिक का है। ठीक है, ये किसी और मालिक का है, ये किसी और मालिक का है। ठीक है, तो सोयाबीन के इस खेत के बगल में कुछ देखिए इस तरह से खेत पड़े हुए हैं। ये जो है मुझे लगता है कि ये जो है जई जैसा लग रहा है मुझे, घास है फिलहाल ये। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ये कांग्रेस घास जैसा, पार्थेनियम जिसे बोलते हैं शायद वही है। मैं ऐप से स्कैन करके देखता हूँ क्या है। ठीक है, ओके, तो चूंकि आप सबको दिखाना था तो इसलिए मैंने अपने वाइफ का मोबाइल लेके आया स्कैन करने के लिए और देखते हैं क्या है ये। मुझे डाउट है कि पार्थेनियम है ये या भांग हो सकता है, देखते हैं। रेड रेगवीड, एनुअल रेगवीड है, एक तरह से पार्थेनियम जैसा ही है लेकिन पार्थेनियम नहीं है ऐसा, कि जब जानते हैं कि बहुत ही जहरीली होती है पार्थेनियम, उसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, और आपके यहाँ शहर में इसको क्या बोलते हैं हमको जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वैसे अभी रिसेंट के एक नेचर के वेबसाइट पे मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि ये जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाता है अपने इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। और ये जो है इससे जो है मवेशी वगैरह खाते हैं, गाय वगैरह खा लिया तो उसका दूध में भी चला जाता है, तो इसे बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक भी है। ठीक है, इस वजह से जो है मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है सोयाबीन का खेत है ये, और पानी की व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि कहाँ से आता होगा, मुझे लग रहा है सब भगवान भरोसे, इंद्र भरोसे है। ठीक है, और ये जो है साल में कभी कभी दो बार, ये वैसे इस साल में एक बार उगाए जाते हैं, लेकिन साल में कभी कभी सब दो बार भी उगा लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा देखा हुआ है, क्योंकि पूरे अमेरिका के जो वेदर है अलग अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, तो अपने अपने हिसाब से वो बोते रहते हैं। ठीक है, अमेरिका में सोयाबीन बहुत ज़्यादा इसलिए फेमस है कि इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है इसको मिल्क में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसका जो है शराब भी बनाया जाता है, और इसके जो सीड को प्रेस करने के बाद जो उसका बचता है ना, उसको जो है एनिमल को खिलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है इसमें। ठीक है, और इस तरह से अगर आप क्या आप सोयाबीन का मिल्क कभी पिए हैं कि नहीं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो सोयाबीन का मिल्क बनाना बहुत आसान है, सोयाबीन को लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसको गार के रस निकाल लीजिए, बस हो गया उसका मिल्क तैयार। बच्चों को पीने के लिए बहुत अच्छा है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो जैसे मिल्क में जो है लैक्टोज पाया जाता है उससे पेट उनका गड़बड़ हो जाता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया दूध होता है इसका। ठीक है, सोयाबीन का दूध, और बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े लोग भी पसंद करते हैं। तो इसका जो ये पौधा जब बड़ा होता है ना, तो कम से कम जो है 3 फीट 4 फीट 5 फीट यहाँ तक इतना बड़ा बड़ा हो जाता है ना, मैंने देखा हुआ है इसका। और इसके अंदर बस ऐसे समझ लो कि हिरन जब जाता है अंदर तो दिखता नहीं, हिरन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और इसके डंडी में इसके लटकते हैं ढेर सारे सोयाबीन के घौदे घौदे के रूप में। और हार्वेस्टिंग के टाइम में क्या होता है कि इसके पूरे पत्ती पक जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो डंडी में सिर्फ वो जो है सोयाबीन पड़ा रहता है, फिर रोके उसको हार्वेस्टिंग ट्रैक्टर से उसको काट के निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ भी पहली बार देखा, पत्ती भी गिरने का वेट करते हैं। अगर इसका कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें विटामिन बी और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और चूँकि प्लांट का जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, इस वजह से जो है सोयाबीन अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इंडिया में भी सोयाबीन की खेती होती है, मैंने देखा हुआ है, मेरे गाँव में भी पहले एक दो लोगों ने, एक दो किसान किए थे अपने खाने भर के लिए, बेचने भर के लिए नहीं। तो और जो है इसका जो है इसको जो है रात भर भिगो के उसके बाद जो है हल्के आंच में पका करके उसका नमकीन भी बनाया जाता है अमेरिका में। इंडिया में तो इसके नमकीन बनाए ही जाते हैं। ठीक है, और इस खेत को हम देख सकते हैं कि इसके पहले यहाँ पे जो है मकई बोया, वहीं तुम खड़े रहो, यहाँ पे देखिए मकई बोया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है मकई ख़त्म हो गया है, तो अब इसमें सोयाबीन की खेती हुई है, और इसमें ढेर सारे खरपतवार आप देख ही सकते हैं। ठीक है, सब मकई के पार्ट हैं ये। ठीक है, और पानी का बहाव ऊपर से नीचे है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम है इनके पास कि पानी कैसे भरते हैं मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि पानी का कोई पाइप वगैरह मुझे कहीं दिखा नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब भगवान भरोसे या इंद्र भरोसे आप कह लीजिए, काउंटिंग आने ना अन्य, हाँ तो इंद्र भरोसे ही है सब, बहाव ऊपर से नीचे है और इस तरह से चला जाता है ये। ठीक है, तो इसके पौधे मैंने देखे हुए हैं कि कम से कम इतने बड़े होते हैं, है ना अन्य, इतने बड़े होते हैं तो उसमें डियर हाइड हो जाता है, मैंने खुद से देखे हुए हैं, इतने बड़े होते हैं ये। और पता नहीं उपज मैंने जब भी इनका देखा है ना, पौधे इतने बड़े होंगे और उसके जो डाल में होते हैं ढेर सारे घोदे घोदे के रूप में लटके होते हैं, तो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और वो किसान यहाँ के तब तक वेट करते हैं ना जब तक कि पूरी तरह से पत्ती झड़ ना जाए, तो झड़ जाती है तब जाके ट्रैक्टर से उसको, हाथ से नहीं काटते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन आती है वो जो है एक एक करती है। तो सोयाबीन के में एक प्रकार के अमीनो एसिड होता है, जैसा कि अमीनो एसिड जानते हैं कि ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिल के बना होता है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, तो वो जो है इसलिए प्लांट को खाना पड़ता है एनिमल लोगों को, हम सब भी एनिमल ही हैं, तो उसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, तो वो एसेंशियल एनिमल वो एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। हाँ नो बोलो, आर यू श्योर? इंडिया में जो है दलहनी जो पौधे होते हैं ज़्यादातर अरहर और उड़द इस टाइप की चीज़ें बोई जाती हैं, और सोयाबीन मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम देखा है बोते हुए। ठीक है, उसका कारण क्या है मुझे पता है, हो सकता है उतना फेमस नहीं, उतना पॉपुलर नहीं है इसका कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत महंगा भी पड़ता होगा मुझे लग रहा है बोना और बेचना भी, तो शायद से इस वजह से। यू गाइस फ्रॉम इंडिया, नेपाल, कुछ पार्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ बंगाल, नेपाल, ओके, सो या सो आई एम फ्रॉम बनारस, यू नो बनारस, या
व्हाट्स द सिटी ऑफ नेपाल? स्कूल ऑफ नेपाल आई हर्ड अबाउट इट. Since I opened my YouTube channel, some Nepali people contacted me, so I made one in video in Nepali language that I don't know, but I try to. I write in the Nepali in English font, and then I read it. So if you wanna see it, my channel name is Apna America, APNA, or in America, so you can see it there. Yeah. All right, thank you very much. So. तो इधर से हम इसे ब्लॉगिंग करने आए थे. ये जो है इधर सोयाबीन का खेत है, तो साइड में देखा ये सब भी खड़े थे. तो इस तरह से जब अपने देसी लोग मिलते हैं तो मैं एक बार में हेलो हाय जरूर मार देता हूँ, ठीक है. अगर वो है ना, ज़्यादातर विदेश में जब भी कोई इस तरह से कोई मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है. तो इस तरह से देखिए हम सोयाबीन के जो है दूसरे पार्ट में आ गए हैं. और देखिए सोयाबीन लाइन लाइन से बोया गया है, ठीक है. और आप जो है इस तरह से आप देखा देख लीजिए, ये सब मशीन से बोए गए हैं, लाइन लाइन से बोए गए हैं, ठीक है. और जो है उधर भी है खेत, और उधर लास्ट में आप देख लीजिए उधर भी सोयाबीन ही बोया गया है, ठीक है. और ये है किसान का घर जहाँ जिसका मालिक होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है. और इस बार कुछ घर है जहाँ पे उस टाइप की जो टंकी अगर आप देख रहे हैं, ये वाला टैंक, इसमें दूध धोए जाते हैं, उसका डिज़ाइन ही ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों, ठीक है. और आपको पता हो तो बता दीजिएगा, ठीक है. जो पेट्रोल ढोने वाली टंकी होती है कुछ और होता है, जो दूध ढोने वाली टंकी होती है कुछ और होता है, ठीक है. तो ये यहाँ से दूध का प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वगैरह किया जाता है. और वहाँ पे देखिए कुछ एक किसान जो है घास काट रहा है या फिर विजिट कर रहा है अपना, जो लोग पिकिंग करने आए होंगे इस खेत में स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर वो पिक कर रहा होगा, ठीक है. मैं तो आया था स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने, मैंने सोचा ये देख लिया, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देते हैं, ठीक है. और हम चलते हैं, कहाँ गई मेरी फैमिली, कहाँ गई कुड़िया. तो कैसा लगा हमारा ये जो है सोयाबीन का खेत? और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं एक बार फिर आऊँगा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि कैसा लगता है ये, ठीक है. और तो अभी तो मैं छोटा था, मैंने आपको इसे दिखाने के लिए दिखा दिया. जब ये बड़ा होगा तो मैं एक बार फिर आऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा एक घर और आपको, ठीक है. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सोयाबीन की खेती. बाय बाय.